मैम फिर यस बच्चे अपना प्रार्थना लेख कंप्लीट हो चुका है ओदे वन मार्क क्वेश्चन ओदे बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन फिर नोटबुक से कर लेने हैं अपा अगली टर्म विच जे अगली टर्म का चैप्टर होया तो अगली टर्म विच अपा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करांगे जे इसे टर्म का होया तो अपा एक्स्ट्रा क्वेश्चन अजे करने हैं क्योंकि वार्तक लेख विचो वड्डे प्रश्न भी आने हैं ते ऑब्जेक्टिव भी पर फर्स्ट टर्म तुहाडी की है ऑब्जेक्टिव है सारे ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आने हैं ग्रामर के भी और लिटरेचर के भी और जिहड़ा न्यू सिलेबस आया वो अपा हुण इक वारी रिव्यू करना है देखना है कि की है उहदे विच मैनूं लगदा राइटिंग स्किल इस टर्म विच है नहीं ठीक है हुण आपां करिए अगेतर पिछेतर स्टार्ट करिए बच्चे सब तो पहला मैनूं यह दसो कि बनतर दे आधार ते शब्द किन्नी किस्मां दे हन यस ऑप्शन च आ जाए दो किस्मां दे तीन किस्मां दे चार किस्मां दे पांच किस्मां दे तृप्ति आंसर बोलो बेटे यस बच्चे हुण मैं तुहानूं रोज एक असाइनमेंट बहु विकल्पी होया करनी है इस करके अलग तो एक रजिस्टर लगा लेना एक असाइनमेंट जिदे विच 10 क्वेश्चन हो 15 क्वेश्चन हो बहु विकल्पी आने हैं यस बेटे बोलो बच्चे तृप्ति बनतर दे आधार ते शब्द किन्नी प्रकार दे हन बनतर दे आधार ते शब्द किन्नी प्रकार दे ने सब तो पहला शब्द तो शुरू करिए बनतर दे आधार ते शब्द यस बेटे कौन बोलेगा बेटे एज यूजुअल भूमिका यस मैम मूल शब्द रचित शब्द बनतर दे आधार ते शब्द दो प्रकार दे हन मूल शब्द रचित शब्द मूल शब्द रचित शब्द नेक्स्ट बोलो रचित शब्द हां जी बेटे राघव सिडाना रचित शब्द कितनी प्रकार दे हन कुछ ही नहीं वो पहले आंसर देना था हां जी बेटे हुन रचित शब्द दस दो किन्ने प्रकार दे हन रचित शब्द सोचो किन्ने प्रकार दे ने रचित शब्द राघव बोलो बच्चे मैम रचित शब्द बोलो रचित शब्द कहंदे किन्नू ने चलो मूल शब्द किसनू आखदे हन इन्हां नू डिफाइन कर दो एक एक वाक विच छोटे प्रश्न आने हन जे एक शब्द विच मूल शब्द किसनू कहंदे हन हां जी मूल शब्द ओ हुंदे हन जो बिना किसी दी सहायता तो बनाए जांदे हन वेरी गुड एक्सेलेंट मूल शब्द जेड़ा किसे बिना किसे शब्द दी सहायता तो बने होन उन्हां नूं मूल शब्द कहंदे हन फॉर एग्जांपल पानी मूल शब्द है ठीक है क्लियर है दुख मूल शब्द है जेड़े अपने आप विच बने होन ओ मूल शब्द हन ते रचित शब्द किन्हां नूं कहांगे रचित शब्द दो शब्द हन जो मूल दे अग्गे ला के या अगेतर ला के या पिछेतर लगा के बनदे हन नहीं सिर्फ उन्हां नूं नहीं कहंदे रचित शब्द सिर्फ अगेतर पिछेतर नहीं समासी शब्द ही रचित शब्द दी किस्म है रचित शब्द किन्हां नूं कहांगे जिहड़े दूसरे शब्दां दी सहायता नाल बनन क्योंकि रचित शब्द दीआं अग्गे दो किस्मां केहड़ियां हन कौन दसेगा रचित शब्द दीआं कव्यांश रचित शब्द किन्नी प्रकार दे हन हरजोत हरजोत रचित शब्द किन्नी प्रकार दे हन दो प्रकार दे केड़े केड़े बेटे बोलो समासी से उत्पन्न वेरी गुड समासी शब्द ते उत्पन्न शब्द हुण आपां गल करिए कि उत्पन्न शब्द किसदा वर्ग है जे ए क्वेश्चन आ जाए ऑप्शन दिती होवे मूल शब्द दा अगेतर दा पिछेतर दा के रचित शब्द दा केड़ी ऑप्शन नूं टिक करांगे बोलो बच्चे अंशिका अंशिका यस मैम हां बेटे दसो उत्पन्न शब्द किसदा वर्ग है अगेतर दा पिछेतर दा मूल शब्द दा के रचित शब्द दा रचित शब्द दा किसदा बेटे बोलो रचित शब्द दा यस
रचित शब्द दा। वेरी गुड, रचित शब्द दा केड़ा वर्ग है? उत्पन्न शब्द। इस तरह थोड़े एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आणगे, ठीक है बच्चे, क्लियर है? मूल शब्द दे अगे लग के की बनता है, अगे लग के की बनता है? रचित शब्द, अगेतर, पिछेतर, बोलो मूल शब्द अगे जुड़ के केड़ा शब्द बनता है? अगेतर लग गया, नवा शब्द बनता है। मूल शब्द अगे की लगता है? अगेतर लग के नवा शब्द बनता है। हुण आपां गल करिए उत्पन्न शब्द किन्नी प्रकार दे हुंदे आ, हुण इह कौन आंसर देगा? अगे समासी शब्द दा तुहानूं पता ही है कि ओ रचित शब्द, समासी शब्द की डेफिनेशन की बनावांगे? ओ रचित शब्द जिहड़े एक जां इक तों वध शब्दां दे मेल नाल जोड़नी च लग के बनन। रूहानी उत्पन्न शब्द की डेफिनेशन बोलो बेटे। रूहानी यस मैम। हां जी बच्चे। मैम उत्पन्न शब्द ओ शब्द हुंदे हन जिहड़े हां वेरी गुड लगा के बनदे हन। की ला के? अगेतर जां पिछेतर लगा के बनदे। पर इहनू स्टार्ट किवें देना है? उत्पन्न शब्द ओ रचित शब्द हुंदे हन, मूल शब्द नहीं कह सकदे क्योंकि रचित शब्द दा वर्ग है। उत्पन्न शब्द ओ रचित शब्द हुंदे हन जिन्हां दे नाल अगेतर पिछेतर लग के नवे शब्द उत्पन्न हुंदे हन, जिन्हां दी सहायता नाल की हुंदे ने नवे शब्द उत्पन्न हुंदे हन। किहदे अगे ला के? मूल शब्दां दे अगे जां पिछे ला के नवे शब्द उत्पन्न होण नूं, नवे शब्द जिहड़े उत्पन्न हुंदे ने उहनां नूं उत्पन्न शब्द आखदे हन। हुण उत्पन्न शब्द किन्नी प्रकार दे हुंदे ने? यस बेटे उत्पन्न शब्द दसो किन्नी प्रकार दे ने? उत्पन्न शब्द दो प्रकार दे। केड़े केड़े बेटे? अगेतर ते पिछेतर। यस, अभी जिन्हां बारे आपां हुण विचार करनी है इह किहदी किस्म है? उत्पन्न शब्द दी। अगेतर पिछेतर, हुण जे क्वेश्चन आ जाए अगेतर पिछेतर किसदा वर्ग है? यस बेटे अगेतर पिछेतर किसदा वर्ग है? यस उत्पन्न शब्द दा वर्ग है, मूल शब्द दा वर्ग नहीं है। उत्पन्न शब्द वेरी गुड, किसदा वर्ग है? उत्पन्न शब्द दा वर्ग है। उत्पन्न शब्द दा वर्ग केड़ा है? अगेतर पिछेतर। ते उत्पन्न शब्द किसदा वर्ग है? रचित शब्द। ठीक है बच्चे, क्लियर? हुण आपां गल करिए अगेतर। अगेतर जो कि मूल शब्दां दे अगे लगते हैं, अगे लग के अगेतर है ते नवा शब्द बनता है। नवा शब्द बने, नवे शब्द बनन उन्हां नूं अगेतर कहिंदे हन। अगेतर दी डेफिनेशन लिखो, ओ शब्द जां शब्दांश जिहड़े मूल शब्दां दे अगे लग के नवे शब्द बनाउण उन्हां नूं अगेतर कहिंदे ने, जिहड़े पिछे लग के नवे शब्द बनाउण उन्हां नूं पिछेतर कहिंदे हन। हुण इह एमसीक्यू टाइप आणे आ पहली टर्म च, तां जे इह सिलेबस च होए, अज आपां सिलेबस चंगी तरह देखना है। समासी भी होणे हन, बहु अर्थक भी, मुहावरे भी, अगेतर पिछेतर, इह सारे बहु विकल्पी आणे हन। हुण जिहड़े अणडिठे पैरे ने हुण दो आणे आ, पहला एक हो गया सी पैरा अणडिठा पैरा, जिहड़ी तुहाडी रीडिंग स्किल है ना, ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ 15 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲ। ਰੀਡਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਡਿੱਠੇ ਦੋ ਪੈਰੇ ਆਣੇ ਨੇ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਨਿੰਗ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਸੀ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠਾ ਪੈਰਾ ਇੱਕ ਆਣਾ ਹੈ, ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਐਮਸੀਕਿਊ ਟਾਈਪ। ਅਗੇਤਰ ਪਿਛੇਤਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 to 25 ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਅੱਜ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਗੇਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 10 ਅਗੇਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 10 ਪਿਛੇਤਰ। ਯੈਸ ਬੇਟੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਅਲੱਗ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋਗੇ। ਲਿਖੋ ਬੇਟੇ ਅਗੇਤਰ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸ਼ਬਦ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼, ਯੈਸ ਫਸਟ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰ ਅਗੇਤਰ ਲਾ ਕੇ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ? ਰੇਜ ਯੂਅਰ ਹੈਂਡਸ। ਰਾਘਵ ਅਰੋੜਾ, ਰਾਘਵ ਅਰੋੜਾ, ਸਰ ਅਗੇਤਰ ਲਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਓ, ਦੋ ਬਣਾਓ, ਦੋ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਯੈਸ ਬੇਟੇ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਬੇਟੇ,
बोलो बच्चे सर अगेतर ला के अज तक बच्चों की अटेंडेंस ही बहुत कम है पता नहीं क्यों बच्चे इस तरह से तुहाडा लॉस है इस तरह जो क्लास कर लोगे लैंग्वेजेस उहदे अकॉर्डिंगली तुसीं आउटपुट देनी है हाँ जी बच्चे बोलो भावना सर अगेतर ला के ट्राई करो बेटे सर अगेतर ला के दो शब्द ख्वाहिश हाँ जी बच्चे कव्यांश ये तो गल नहीं ना बनती बेटे ट्राई तो करो एक दो वर्ड तो बनाओ कनिष्का हाँ जी बच्चे कनिष्का तुसी बनाओ बेटे कनिष्का सर अगेतर ये तो उही गल होगी ना बेटे फिर वो भूमिका ने आंसर देना ये तो गलत गल है ना बच्चे बाकिया की पार्टीसपेशन कहते पार्टीसपेशन के भी मल्टीपल असैसमेंट च नंबर लगने क्लास पार्टी मैम सरहद मैम हाँ जी सरहद सरपंच 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 सरगुण सरगुण सरकार ठीक है इन्हों विचों मूल शब्द की होया हद मूल शब्द इहदे अगे अगेतर की लग्या सर पंच पंचा दा पंच सरपंच जिन्हों उत्तम पदवी दिती जावे सरगुण गुणा दे उपर गुण सरगुण परमात्मा सरगुण है परमात्मा की है सरगुण नेक्स्ट है सरकार ठीक है कार मीन्स कम जड़ा अच्छा कम करे सरकार सारे तो उपर साढ़े कम साड़ी आवाज जनता की आवाज किधे तक पहुंचती है सरकार तक क्योंकि सरकार है जड़ी पब्लिक दे लई काम करती है समझ आ गई नेक्स्ट है सरब सरब अगेतर लाके बनाओ सरब दे विच हुण सरबजीत सरबजोत यह शब्द नहीं बना देने नेमिंग वर्ड अवॉइड करने जड़े साडे नेम है परमात्मा की सिफत वर्ड बोलो हाँ जी बेटे राघव सिडाना बोलो बच्चे सरब सरबव्यापी यह सरबव्यापक परमात्मा अपा गुरबाणी विच पढ़िया रचनावां विच सरबव्यापक जो हर थां ते मौजूद है नेक्स्ट वन इज सरब शक्तिमान वो भी परमात्मा अगे नेक्स्ट वन है सर्वसम्मति जो सारे दी इको राय होवे उनु कहने आ सर्वसम्मति सर्वज्ञानी हाँ जी बेटे बोलो नेक्स्ट वर्ड सर्वज्ञानी सर्व ज्ञानी नहीं वो वर्ड नहीं क्लियर होया बेटे तेरा अंतर जामी सर्वज्ञानी सर्वज्ञानी या सर्वज्ञाता वेरी गुड सर्वज्ञाता जिन्हों बहुत ज्ञान सारे पासे का ज्ञान है सर्वज्ञाता वेरी गुड सर्वज्ञाता हो सकता है गुड चलो नेक्स्ट वर्ड इज नेक्स्ट वर्ड है हम ये तो सबनों आंदा वर्ड हम हाँ जी हम अगेतर लाके बनाओ हम अगेतर रूहानी रूहानी यस मैम मैम हम राज हम दर्द हम दर्द वेरी गुड हम शकल हम सफर हम सफर हुण मैं एक वर्ड देनी है तुहानू मूल शब्द राही एदे अगे कोई सूटेबल अगेतर लाओ राही राही दे अगे सूटेबल अगेतर लगाओ यस बेटे मैं वर्ड भी बोल देनी हां जिवें कह लो के ऑप्शन सम कल हम जा सर हम राही की लगावांगे हम राही किड़ा गेतर लगावांगे हम राही इदां दे भी क्वेश्चन आने हैं कि चार ऑप्शन दित्तियां होणगियां तुसी सूटेबल ऑप्शन चूज करनी है कि राही मूल शब्द है इहदे नाल किड़ा गेतर लगेगा हम जां क्वेश्चन आ जांदा है कि इहनां विच्चों मूल शब्द चुनो वर्ड दित्ते होए ने वर्ड दित्ते होए है हम राही दुखदायक ते अकै तुसी मूल शब्द केड़ा चुनोगे हाँ जी दसो चार ऑप्शन दित्तियां ने हम राही सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इज अकै फोर्थ ऑप्शन इज
दुखदाई केड़ा वर्ड मूल शब्द है ट्राई करके देखो राघव अरोड़ा यस बेटे राही वेरी गुड राही क्योंकि हम की है अगेतर दुखदाई की है पिछेतर लग गया शब्द ते एक वर्ड अकह की है अगेतर लग गया शब्द इस करके मूल शब्द है ही नहीं अपा की चुनना मूल शब्द ओनू चुनना जड़ा किसे बिना शब्द की सहायता तो बने वो केड़ा शब्द चूज करांगे राही फॉर एग्जाम्पल एक मैं होर एग्जाम्पल देनी हाँ उन्हें नोट करो एग्जाम्पल है सहम सहपाठी सहकारी सहमत इन्हों विचों मूल शब्द चुनो यस बेटे मूल शब्द चुनो कौन चुनेगा मूल शब्द केड़ा होएगा ट्राई करो यस बच्चे अंशिका अंशिका हाँ जी बेटे बोलो हम सहम सहम क्योंकि सहम तो अपने आप मूल शब्द है इत्थे की है सह जमा पाठी सह जमा कारी सह जमा मत क्लियर है बच्चे उन्हां नाल तां मूल शब्द लाके अगेतर बनिया पर सहम तां अपने आप विच मूल शब्द है इहदे नाल कोई अगेतर पिछेतर नहीं लगा होया उहनूं कहिंदे ने मूल शब्द क्लियर नैक्सट वर्ड करिए आपां हम तां कीता अगे चलीए अज आपां 35 तक कर लैणे आ 1 to 25 आपां PT 1 च कीते सी 1 to 35 करदे हां नैक्सट वर्ड इज क ते कू क अलग है कू अलग है हाँ जी कौन बनाएगा क ते कू दे कनिष्का दोनों वर्ड्स अलग अलग बनाने हैं हाँ जी बेटे कनिष्का बनाओ बच्चे वर्ड्स अखिलेश अर्जोत कुरूप हाँ जी बोलो बोलो शाबाश अखिलेश कुरूप कुसंगत कुसंगत कू अगेतर च आया ना बेटे का दे अलग बने और कू दे अलग हाँ जी अगे वर्ड बोलो हाँ बच्चे कुरूप करूप इधर आ गया यस और बोलो हाँ जी बच्चे दो दो तीन तीन शब्द करूप हो गया क अगेतर लाके क अगेतर लाके हरजोत और केड़ा वर्ड बनेगा हरजोत यस बच्चे कपुत्तर वेरी गुड कपुत्तर होर कोई वर्ड कू अगेतर लाके बनाओ हाँ जी बच्चे बोलो बलजिंदर बलजिंदर कुवेला कुवेला गुड आंसर कुवेला कुरीति कुराहे कुकरम इसी तरह क दे बनाओ क दे क दा एक होर वर्ड बनाओ शाबाश वेरी गुड ट्राई करो क अगेतर लाके ये अलग अलग वर्ड ने कई बच्चे ना क ते कू दे सेम बना देंदे ने नहीं जो वर्ड क दा मतलब कबोल जिहड़ा माड़े बोल बोलदा कबोल अगे कबुद्ध माड़ी बुद्धि कबुद्ध कबुद्ध दा ओपोजिट सबुद्ध नोट करो जे क्वेश्चन आ जांदा कि बुद्ध दे अगे कोई सूटेबल अगेतर लगाओ तां क अगेतर लगाओगे कबुद्ध समझ आ गई जे कोई रूप वर्ड आ जांदा है इहदे अगे सूटेबल अगेतर लगाओ स भी ला सकते हो ते क भी ला सकते हो क जमा करूप बन गया स जमा रूप सरूप बन गया जे हुण पुत्तर वर्ड आ जांदा है इहदे अगे सूटेबल अगेतर लाओ क भी ला सकते हो ते स भी ला सकते हो कपुत्तर सपुत्तर समझ आ गई नेक्स्ट वर्ड है अपना कम हुण कम इंग्लिश हिंदी का वर्ड है ये पंजाबी का वर्ड नहीं जिहदा मतलब हुंदा घट वर्ड्स बनाओ बेटे इहदे नवे शब्द उत्पन्न करो कम अगेतर लाके भावना यस हुण भावना बोलेगी यस बेटे मैम कम अकल कमजोर कमजोर जिहदे च जोर नहीं है ताकत नहीं है तान नहीं है ठीक है कम अकल जिहड़ा अकल तो बिना है नेक्स्ट वन इज
कोई होर वर्ड बनाओ। कम दिल। कम दिल, जिदा दिल बड़ा कमजोर है कि थोड़े दिल का मालिक है, छेती रो पैंदा है, छेती इमोशनल हो जाता है। कम दिल। कम खर्च। कम खर्च, वेरी गुड, एक्सेलेंट है ना, मतलब तुहानू अगेतर पिछेतर आंदे ने। कम खर्च, थोड़ा खर्च, कम बखत, ठीक है, जिहड़ा माड़ा व्यक्ति है, माड़े रूप वाला व्यक्ति उहनू कम बखत भी कहिंदे हन, जिहड़ा माड़े कर्म करदा है। चलो नैक्सट वर्ड इज कल, ये तुहानू आंदा है वर्ड कल। कल वर्ड दे बनाओ बेटे, कौन बनाएगा? यस बच्चे, रेज योर हैंड्स। कल अगेतर, एक जोत बनाएगा बेटे? अज तो एक जोत प्रेजेंट होया, जो जो बच्चे क्लास नहीं लाते, जो जे बच्चे आ जाए तो मैं लगता मेरी अटेंडेंस होगी, पर अज होर बच्चे एबसेंट हो गए, अज तो सिर्फ 25 बच्चे प्रेजेंट है, ये कोई गुड अटेंडेंस थोड़ी हुई बेटे, ये तो सिर्फ उ मेरे बच्चे पढ़ने वाले है जेडे हमेशा रेगुलर होंगे है और अटेंटिव भी होंगे है। अटेंटिव मीन जिन्हों की प्रेजेंस ऑफ माइंड भी है। हाँ जी कनिष्का बोलो बेटे, आंसर बोलो। कल अगेतर बोलोगे बच्चे? कौन बोलेगा होर? कल अगेतर लाके ट्राई करो। कनिष्का मैम, कलयुग। कलयुग, कलयुग, हुण युग बन गया यो दी थां ते। कल मूहा, जिहड़ा भैड़ा होवे, ठीक है। कल जोगन, ठीक है, कल जोगन। नेक्स्ट वर्ड इज खुश, ये सबनू आंदा है, खुश वर्ड सबनू आंदा होएगा। यस, ये तो सारे कलेक्टिवली भी आंसर दे सकते मैनू। खुश किस्मत, वेरी गुड, नसीब, गुड गुड। और खुश किस्मत, खुश नसीब, सेम मीनिंग। और एक तो हटके वर्ड्स बनाओ खुश दे। यस बेटे, खुश किस्मत, यस, खुशहाल, खुशबू, ठीक है, खुश दिल, ठीक है, खुश तबीयत, खुश मजाज, बहुत सारे वर्ड बनते हैं खुश दे। नेक्स्ट वर्ड इज गैर, गैर दे बनाओ। गैर, फर्स्ट वर्ड तो स्टूडेंट से ही बन जाना गैर, केड़ा वर्ड बनेगा गैर ते? गैर कानूनी। गैर कानूनी भी होर भी बनते हैं, जेड़े बच्चे आज एबसेंट है उन्हें की कहेंगे? गैर हाजिर। यस, गैर हाजिर, गैर कानूनी। और कोई वर्ड? गैर रस्मी, गैर सरकारी, जेड़े सरकार तो उल्टे काम हो, गैर सरकारी। आपां सरकारी पत्र करते हैं, एक गैर सरकारी पत्र करते हैं, ठीक है, जेड़े वक् वक् विभागों के पत्र ने वो सरकारी पत्र, जेड़े अखबार के संपादक नूं है, किसी कंपनी नूं है, उन्होंने केड़ी किस्म कहिंदे आ? ये ऑप्शन च क्वेश्चन आ सकता है, बहु विकल्पी च आ सकता है कि जेड़े किसी कंपनी नूं पत्र लिखते हैं, किहड़े पत्र होंदे ने? निजी पत्र होंदे ने, सरकारी होंदे ने, गैर सरकारी। की लिखोगे? गैर सरकारी। वो विकल्पित भी राइटिंग स्किल के क्वेश्चंस बनते हैं, समझ आई बच्चे? यस। नेक्स्ट वन इज गुर। यस बेटे, गुर, मन पिछे लगन वाला, मनमुख, ते गुर पिछे लगन वाला, गुरु दे पिछे लगन वाला। कौन बोलेगा? हाँ जी भूमिका, गुर अगेतर लाके, गुर अगेतर लाके बनाओ बेटे। पलक दा आंसर लेने आज, पलक दी पार्टिसिपेशन। गुरमुहा। नो बेटे, गुरमुखी। गुरमुख, यस, गुरमुख। होर बड़े वर्ड ने, गुर उपदेश, होर कोई वर्ड बोलो? गुरुद्वारा। नेक्स्ट वर्ड गुरमत, गुरमंत्र, किन्ने वर्ड ने? गुरमंत्र, गुरु दा मंत्र, गुरमंत्र, गुरमुख, जड़ा गुरु दी मत पिछे चले, गुरमत, ठीक है, गुरु उपदेश, गुरु दा द्वार, गुरुद्वारा। नेक्स्ट गुरु दा प्रसाद, गुरप्रसाद, आपां पहले ही कहने एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्विकार अकाल मूर्ति अजूनी सहज, गुरप्रसाद, गुरु दी कृपा। प्रसाद दा मतलब हुंदा गुरु दी कृपा,
प्रसादा मतलब की है गुरु की मेहर, गुरु की कृपा, गुरप्रसाद। नेक्स्ट वर्ड इज, नेक्स्ट वर्ड है चू अगेत्र लाके, चू चचे नू औंकड़। यस बेटे, चचे नू औंकड़ चू। कौन बोलेगा बेटे? हाँ जी बच्चे बोलो, होर बच्चों की कोई पार्टिसिपेशन नहीं है बेटे? बाकी बच्चे भी आंसर करिया करो, कव्यांश जे बच्चे प्रेजेंट होंगे हो, कव्यांश आंसर दो। कव्यांश चू अगेत्र लाके आप मुहावरे भी करने, चुकन्ने चुकन्ना करते हैं ना मुहावरा, चू अगेत्र लाके चुकन्ना, चुरस्ता चुराहा चुपाया, चार पैरों वाला जानवर चुपाया, चुकन्ना सावधान। ठीक है बच्चे, चू अगेत्र लाके क्लियर है। हुण आप थोड़े जे करिए पिछेत्र, यह कर लिया आप अगेत्र, इन्ने काफ़ी है। आप 36-37 तक पहुँच गए, 1-25 ऑलरेडी किते हुए है। हुण आप करिए पिछेत्र, क्योंकि अपने जड़े टॉपिक ने समासी शब्द अगेत्र पिछेत्र नाल नाल चलने ने। रूटीन च आप रोज़ एक असाइनमेंट कराया करनी हूँ मंडे तो, क्योंकि मैनू लगता है कि जोड़ा सिलेबस आया CBSE वालों वो अकॉर्डिंगली आप फस्ट टर्म का सिलेबस कवर कर लिया सारा, लिटरेचर जो सिलेबस आया अज मैं अच्छी तरह रिव्यू करना वो अकॉर्डिंगली आप फस्ट टर्म का सिलेबस कर लिया। तो आप हूँ असाइनमेंट रोज़ कराया करनी है, और फस्ट टर्म च राइटिंग स्किल आनी ही नहीं, ऐसे लैटर आने ही नहीं है। ठीक है बच्चे, ईजी हो गया ना। हूँ जोड़ी MCQ आनी है उन्होंने तो बड़ी डीप नॉलेज चाहिए, थोड़ा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए है, और पेपर भी CBSE वालों बन के आना और बहुत ज्यादा वास्ट हो गए, ये तो अपन थोरोली चंगी तरह सारा कुछ रिवाइज करना पैना, क्लास मैक्सिमम प्रैक्टिस देनी पैनी है, और एक अलग तो रजिस्टर लगाना है जितने सारिया आप असाइनमेंट करनिया हैं MCQ टाइप। हूँ आप गल करिए पिछेत्र, पिछेत्र की होंगे ने जोड़े मूल शब्दों के पिछे लगन, यह मूल शब्द है इसके पिछे लगना है पिछेत्र, नवे शब्द बनने हैं। यस वर्ड है, आप 2-3 वर्ड्स कर लेने हैं, अपने को टाइम है, आप 25 तक ये भी किते हुए ने शायद। वर्ड है आहट, मूल शब्द है आहट, सॉरी मूल शब्द है जिमें घबरा, आहट लग्या पिछेत्र की बन गया घबराहट। ठीक है समझ आ गई, जिमें मूल शब्द है चतुर, आई की लग्या पिछेत्र की बन गया चतुराई। मूल पिछे जड़े पिछेत्र होंगे ने ना उन्होंने आ ए ई वाले पिछेत्र हो ना, जड़े आई मीन्स स्वर, उड़ा एड़ा इड़ी स्वर ने, उन्होंने मात्रा लगती है, उन्होंने वर्ड घट ही आता, जिमें आहट में आहट नहीं पूरा आया आदि आवाज आई, चतुराई में आई पूरा नहीं आया आदि आवाज आई है। हूँ आप वर्ड करिए आहट पिछेत्र ला के, तीन शब्द बनाओ, यह पिछेत्र ने हूँ तीन शब्द बनाओ, केड़े केड़े शब्द बनन गए बेटे आहट में? घबराहट, यस मुस्कुराहट, गड़गड़ाहट। ठीक है बच्चे, हूँ अगला वर्ड है आवट, आज दो वर्ड कर लीए बाकी अपन नेक्स्ट क्लास करांगे। आवट दे कौन बनाएगा? यस वेरी गुड, हैंड रेज कितने बहुत सारे बच्चों ने, दक्ष बनाएगा। यस दक्ष बेटे बनाओ बच्चे आवट, थकावट। यस गुड, थकावट। हाँ जी बच्चे, रुकावट, रुकावट। हाँ जी सजावट, गुड आंसर सजावट, मिलावट। ठीक है बच्चे, हुण ये तुसी अपनी असाइनमेंट नोटबुक ते कर लेनी है, प्रैक्टिस नोटबुक लगा लो तो बहुत अच्छी गल होएगी, क्योंकि आप हुण MCQ टाइप डेली आप एक असाइनमेंट करनी है, तो अपने नोटबुक ते प्रार्थना लेख जफरनामा एकांगी ते तू मेरा पिता तू है मेरा माता रचना कंप्लीट करके मैनू नोटबुक सेंड करनी है बच्चे। थैंक यू सो मच बच्चे।